सैनिकों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माताओं बहनों सबका, आप सबका यहाँ पहुंचने पर इतनी तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन दिल से सैनिक। ये वही स्थान है, वही मैदान है जहाँ से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर 2013 को फौजियों के सामने वादा किया था कि तुरंत हमारी सरकार आते ही तुरंत प्रभाव से बन रहे वन पेंशन लागू की जाएगी। लागू तो की उन्होंने, लेकिन ये छलावा मात्रा में नहीं थी। हमें पूर्ण रूप से जो वादा आप करके वही वादा आपको याद कराना चाहते हैं, और जितनी आप देर करेंगे उतनी बढ़िया भूल पहले भी कर दिया आपने, अभी आपके पास समय है, इस भूल को सुधार लो। हम अनुशासित लोग हैं, हमें मजबूर मत करो। हम अन्य आंदोलनकारियों की तरह रेल रोकने वाले, रोड रोकने वाले लोग नहीं है। और जिस प्रकार ये सैनिक समाज 2014 के इलेक्शन में आपके साथ था, हम ये चाहते हैं सरकार से फिर विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो निशंकियां, जो भेदभाव, जो अन्याय आप लोगों ने हमारे साथ किया है, उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, उसका निवारण किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। सीटों पर आएगा कृपया करके उठे नहीं, यही प्रोवाइड किया जाएगा जी, यही प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी, हम सरकार मोदी जी ने यहाँ पर यह भी कहा था कि मैं ये हुकुम रहा हूँ इन 87 लोगों को, क्यों मेरे फौजी भाइयों की जायज मांग निकाई व सुनाई नहीं देती। इस सत्ता हम हमारे से आज सवाल है कि सत्ता इस कुर्सी में ऐसा क्या है, इस सिंहासन में ऐसा क्या है कि हमारी जायज मांग आपको सुनाई व दिखाई नहीं दे रही। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि 7 महीने से हम आंदोलन रहते हैं, धरना रहते हैं, देश का सैनिक लगातार धरना जारी किए हुए, और आपके कान पर ये जू तक नहीं रही। आज लाखों की संख्या में आपने पहुंचकर इस सरकार के कान पर मकोड़े रेंगने का काम किया, जो मकोड़े रेंगे तो आप तक जू नहीं रहेगी। और 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये वन रंग वन पंचन रिसेंटली दूर होगी, क्योंकि जब एक बार सैनिक मोर्चा संभाल लेता है, या तो वो विजय प्राप्त करता है या वीर गति, तिरंगा फहराने आता है या तिरंगा तिरंगे में निपट कर आता है। तो हम इस सरकार को फिर चेताना जा रहे हैं, जवानों ने मोर्चा संभाल दिया है, वापिस किसी भी सूरत में नहीं होगी, आपको हमारी जायज मांग माननी पड़ेगी। जितना जल्दी मानोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस सैनिक समाज को आपने, इस सैनिक समाज को सरकार ने अपने आप से दूर किया है।